नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 90,000 निजी नलकूपों के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान। बिहार में बालू माफियाओं पर लगेगी लगाम। बिहार में कोविड को लेकर नई नियमावली अधिसूचित। बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। डबल हेडर मुकाबला आज, लखनऊ ठोकेगी प्लेऑफ की दावेदारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सशस्त्र सीमा बल में 543 पदों के लिए भर्ती। सशस्त्र सीमा बल के द्वारा विभिन्न ट्रेड्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 543 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और रिक्तियों से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो या संबंधित कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखता हो। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए SSB की आधिकारिक भर्ती पोर्टल वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी कि 13 मई 2023 से 30 दिनों के भीतर अप्लाई कर सकेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि इन 18 एजेंडों में चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023 से 28 के लिए 1,62,268.78 लाख रुपए की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों को उत्पादन राशि को 10 लाख करने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यापार के पटना परिसर में प्रस्तावित नए भवन निर्माण हेतु कुल 72 करोड़ रुपए मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राकलन कर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अतएव गंगाजल आपूर्ति योजना जैसी महत्वपूर्ण एवं वृहद पेयजल योजना के विभिन्न संरचनाओं की सुरक्षा, अपराधी घटनाओं की रोकथाम, पर्यटकों की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के दृष्टिकोण से उक्त जलाशय एवं जल संशोधन प्लांट क्षेत्र के मध्य उपयुक्त स्थल पर गंगाजल परियोजना OP के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे चौसा का युद्ध क्षेत्र के बारे में। चौसा का युद्ध क्षेत्र बक्सर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल पर मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान सम्राट शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। यह युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। चौसा का युद्ध क्षेत्र बक्सर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर चौसा ग्राम में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। चौसा ग्राम करनासा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह लड़ाई भारत के इतिहास में यादगार है। इस लड़ाई में 8,000 मुगल सैनिक मारे गए थे और हुमायूं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। दूसरी तरफ शेरशाह सूरी के उत्थान में नींव का पत्थर साबित हुआ। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। अभी यहां पर स्मारक बना दिया गया है और यहां पर सुंदर गार्डन है। इस गार्डन में आपको शेरशाह सूरी, मुगल बादशाह हुमायूं, निजाम मिस्त्री की पेंटिंग देखने के लिए मिल जाती है। बिहार में बालू माफियाओं पर लगेगी लगाम। बिहार में आए दिन अवैध बालू खनन और बालू माफियाओं से जुड़ी घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। इसी को देखते हुए राज्य में अवैध बालू खनन और बालू माफियाओं पर लगाम लगाया जा सके, इसके लिए अगले सोमवार से 90 खान निरीक्षकों को परीक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें हथियार सहित आधुनिक उपकरणों को चलाने की जानकारी दी जाएगी। हालांकि फिलहाल इन सभी 90 खान परीक्षकों की ट्रेनिंग के लिए व्यापार सहित मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा प्रशिक्षण स्थल का चयन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब खनन विभाग की भी अपनी पुलिस होगी, जिसमें 25 सब इंस्पेक्टर और 250 कांस्टेबल की बहाली की जाएगी। इसे लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसमें बालू माफियाओं के द्वारा खनन पदाधिकारियों पर हमले किए जाने की खबरें आती हैं। ऐसी ही परिस्थिति के दौरान खनन पदाधिकारी अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। बागेश्वर के हनुमंत कथा की शुरुआत आज यानी कि 13 मई से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जो कि 17 मई तक चलेगी। वहीं 15 मई को पर्चा निकालने का काम किया जाएगा। बता दें कि आज ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन भी बिहार की राजधानी पटना के सटे नौबतपुर में होने वाला है। मालूम हो कि उनके आगमन को लेकर और उनके कार्यक्रम को लेकर SOP जारी कर दिया गया है। बता दें कि ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर भी SOP का पालन किया जा रहा है। मौके पर 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे और साथ ही 50 से अधिक मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे। आयोजन के दौरान सभी गतिविधियों पर CCTV के जरिए नजर रखी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा बागेश्वर के लिए 4,000 स्क्वायर फीट में मंच का निर्माण करवाया गया है। बिहार के 5,648 रूट पर चलाई जाएंगी बसें।
परिवहन विभाग के द्वारा राज्य के 5,648 रूटों पर पीपीडी मोड में बसों के परिचालन को लेकर अगले एक वर्ष तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि इन बसों के परिचालन के लिए विभाग की ओर से रूट को चिन्हित कर अंतर क्षेत्रीय परमिट जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इन बसों के परिचालन की शुरुआत होती है तो वैसे लोगों को काफी राहत मिलेगी जो प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मालूम हो कि देश के दूसरे राज्यों के लिए भी 293 रूटों पर आंतरिक बस सेवा की शुरुआत की जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ बातचीत कर अंतरराज्यीय समझौता किया जा रहा है। बता दें कि जिन दूसरे राज्यों के साथ बसों के परिचालन के लिए सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है उनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और यूपी शामिल है। मालूम हो कि अगर राज्य के इन सभी चिन्हित मार्गों पर परमिट दे दिया जाता है तो बसों एवं उसके परिचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण होगा। इन बसों के रुकने के लिए ग्रामीण इलाकों में बस स्टॉप का भी निर्माण किया जा रहा है। बगैर निबंधन संचालित कोचिंग संस्थानों को लेकर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में बगैर निबंधन कराए कोचिंग संस्थान खोलने, मनमाने ढंग से छात्रों से फीस वसूलने और बुनियादी सुविधाओं के नहीं होने के मामले को लेकर वेटरन फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि इस मामले पर वे 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दे। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 4 जुलाई 2023 को की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2010 के सेक्शन 9 के अंतर्गत नियम नहीं बनाए हैं और बिना नियम के ही मनमाने तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले गए हैं और इन सभी में न तो स्तरीय अध्यापन होता है और न ही योग्य शिक्षक होते हैं। यहाँ पढ़ाई का स्तर भी सही नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर विजय चौधरी ने दिया बड़ा बयान। बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी और साथ ही बिहार सरकार के द्वारा की गई याचिका किस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। वहीं अब बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वहां याचिका दायर कर यह कहा है कि जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले को रद्द किया जाए और साथ ही एक बार फिर से जातिगत जनगणना को शुरू करने का निर्देश दिया जाए। वहीं अब इस मामले पर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जरूरत पड़ी तो खुद से कानून बनवाकर जनगणना करवाएगी। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए और हमें उम्मीद है कि हमें यहां से गणना की अनुमति मिल गई। राज्य के 161 शहरों से कूड़े का ढेर हटाने को बनेंगे 24 क्लस्टर। नगर विकास विभाग के द्वारा एक योजना तैयार की गई है जिसके तहत राज्य के 161 शहरों से कूड़े के ढेर को हटाने के लिए 24 क्लस्टर बनाकर कूड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। बता दें कि इस योजना से जुड़े प्रस्ताव को नगर विकास विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र के पास भेज दिया गया है। वहीं जैसे ही इस प्रस्ताव पर केंद्र की ओर से सहमति बनती है इस पर तुरंत काम की शुरुआत कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक क्लस्टर के आसपास 6 से 7 निकाय जोड़े जाएंगे। यहाँ ठोस कचरा से खाद, ईंट सहित कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाएंगी। इससे निकायों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि निकायों से कचरा संग्रह कर क्लस्टर तक लाने का काम निकाय के द्वारा किया जाएगा। बिहार में कोविड को लेकर नई नियमावली अधिसूचित। बिहार महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है जिसके तहत राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी अस्पतालों को कुछ दायित्व दिए गए हैं। मालूम हो कि यह नया नियम राज्य में अगले 1 साल तक लागू रहेगा और इसके साथ ही इस अन्य नियम के तहत कुछ सजा का भी प्रावधान किया गया है। बता दें कि नए नियम के तहत कहा गया है कि फ्लू के भी मरीजों की कोविड जांच की जाएगी। इस दौरान स्क्रीनिंग की जांच और उसके ट्रैवल हिस्ट्री को सुरक्षित रखा जाएगा। किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोविड को लेकर कोई दुष्प्रचार नहीं किया जाएगा। वहीं इस नियम के तहत जो सजा निर्धारित किया गया है उसमें अगर कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया जाता है और अगर वह भर्ती या आइसोलेट होने से इनकार करता है तो ऐसी परिस्थिति में नामित अधिकारी उस मरीज को सख्ती के साथ 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती या आइसोलेट करके रख सकता है। और इसके साथ ही नियमावली में जिलाधिकारी को यह भी सख्ती दी गई है कि वह किसी भी क्षेत्र को सील कर सकता है जिससे उस स्थान पर बाहरी आवागमन न हो। बीए बीएड और बीएससी बीएड में नामांकन के लिए आवेदन की आखिरी तिथि बढ़ी। अगर आप भी बीए बीएड और बीएससी बीएड के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं लेकिन अब तक आपने आवेदन नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब बीए बीएड और बीएससी बीएड में नामांकन लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि अब अभ्यर्थी बिना किसी विलम्ब शुल्क के 12 जून तक अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 13 से 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि आवेदन करने की अंतिम तारीख को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आईसीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा के रिजल्ट को अब तक घोषित नहीं किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetintbed-lnmu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रघुवीर नारायण के बारे में। रघुवीर नारायण हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उनके द्वारा रचित भटोइया नामक भोजपुरी राष्ट्रीय गीत को पूर्वी भारत में वंदे मातरम के बराबर सम्मान मिला। जन जागरण गीत की तरह गाया जाने वाला यह गीत पूर्वी लोक धुन में लिखा गया है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1884 को बिहार के सारण जिले के नया गाँव में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छपरा में और उच्च शिक्षा पटना कॉलेज से पूरी की। अपने कॉलेज के दिनों में उन्हें ब्रिटिश प्रोफेसर द्वारा उनकी अंग्रेजी कविताओं के लिए सराहना मिली। उन्होंने अपनी अधिकांश कविताएं 1902 से 1905 के बीच पटना कॉलेज में रहते हुए लिखी। अपनी कला स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बिहार के पूर्णिया जिले के बनैली स्टेट के राजा कृत्यानंद सिंह के निजी सचिव बन गए। 1952 से 1953 में बिहार सरकार ने उन्हें साहित्य सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षा विभाग के अफसर करेंगे कोर्ट केस व बड़े मामलों की समीक्षा। शिक्षा विभाग के द्वारा 20 राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अब प्रमंडलों व जिलों में जाकर कोर्ट केस व बड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि चयनित किए गए इन 20 अधिकारियों के द्वारा लंबित ACDC बिल का मामला, छात्रवृत्ति की राशि की उपयोगिता व समायोजन के मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में शनिवार को लगने वाले जनता दरबार की स्थिति और कर्मचारी के सेवांत लाभ की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। बता दें कि अधिकारी 17 व 18 मई और फिर 24 व 25 मई को दो चरणों में क्षेत्रीय दफ्तरों का निरीक्षण करेंगे और फिर इसका अगले दिन वो अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंपेंगे। 90,000 निजी नलकूपों के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान। असिंचित क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई की नई वैकल्पिक व्यवस्था मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नई व्यवस्था लाई जा रही है। दरअसल किसानों के द्वारा अपने खेतों में पटवन के लिए निजी नलकूप लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भरपूर अनुदान दिए जा रहे हैं। बता दें कि इस योजना से जुड़े प्रारूप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया और साथ ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के समक्ष भी इस योजना का प्रस्तुतिकरण विभागीय प्रमुख के द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में अब इस योजना को लागू करने के लिए बस शीर्ष स्तर पर मंजूरी मिलनी बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा यह अनुदान 7-2 के प्रमुख अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत दिए जा रहे हैं। कारीगर भी बनेंगे प्रोफेसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत UGC की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब कलाकार और कारीगर भी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके लिए UGC की ओर से मसौदा भी तैयार किया गया है, यानी कि अब कलाकार और कारीगर कॉलेज में क्लास लेंगे, लेक्चर देंगे, वर्कशॉप, प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग भी दे सकेंगे। हालांकि यह रेगुलर के तौर पर नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन कलाकारों और कारीगरों को कॉलेज चयन समिति के द्वारा विभिन्न मापदंडों के अनुसार चयनित किया जाएगा और उसके बाद ये 3 साल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मालूम हो कि इसके लिए ना तो कोई उम्र सीमा निर्धारित की गई है और ना ही कोई डिग्री निर्धारित की गई है, यानी कि किसी भी पढ़ाई किए कलाकार और कारीगर प्रोफेसर बन सकते हैं। हालांकि इस कार्य को करने के लिए कलाकारों और कारीगरों को केवल तय किए गए मापदंडों को पूरा करना होगा। बिहार का मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में गर्मी का कहर जारी है। इन दिनों तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 2 दिनों तक लोगों को दोपहर में घरों से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत है। 15 जून के बाद प्रदेश के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में बारिश के आसार है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार तक गर्म हवा आ रही है। इसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव जैसे हालात देखने को मिलने वाला है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बारिश की वजह से खाड़ी की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव दिखेगा। इस प्रभाव से कल से 2 दिनों तक मौसम में कुछ सुधार की उम्मीद है। गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कहा गया है कि 15 मई के बाद फिर गर्मी बढ़ सकती है। इस दौरान तेज गर्म हवा चलने की संभावना जताई गई है। हीट वेव का एक बड़ा कारण इसे माना जा रहा है। बिहार के 28 जिलों में जल्द शुरू होगा जियो ट्रू 5G नेटवर्क। बहुत जल्दी बिहार के 28 जिलों को जियो ट्रू 5G नेटवर्क की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि राज्य के 28 जिलों में इस सेवा को शुरू किया जा सके, इसके लिए तकनीकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। मालूम हो कि अगर लोगों को यह सेवा उपलब्ध होती है तो लोग हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल जियो ट्रू 5G नेटवर्क की सेवा बिहार के 10 जिलों में मिल रही है, जिनमें बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और आरा के नाम शामिल है। बता दें कि अगर यह सेवा लोगों को मिलती है तो लोगों के लिए कई नए अवसर खुलते हैं और साथ ही कई विकास के भी अवसर खुलते हैं, जिनमें पर्यटन, विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऑटोमेशन समेत कई अवसर शामिल हैं।
मेडिकल छात्रों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। बिहार के छपरा में पारा मेडिकल छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ बीते दिन भी जमकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस दौरान छात्रों के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर हाय हाय के नारे लगाए गए। मालूम हो कि इस दौरान ओपीडी सेवा को भी बाधित रखा गया। बता दें कि छात्रों का कहना है कि उनका बैच वर्ष 2021 में शुरू हुआ और फिर हम लोगों को सदर अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए वर्ष 2022 में बुलाया गया था, लेकिन आज तक कोई परीक्षा नहीं ली गई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहां किसी चीज की व्यवस्था नहीं है जिससे कि उन्हें प्रैक्टिकल से जुड़े कुछ जानकारी नहीं मिल सकते। बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का 17वां राज्य सम्मेलन आज यानी कि 13 मई को बिहार की राजधानी पटना के एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान में बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का 17वां राज्य सम्मेलन होने वाला है जो कि 14 मई तक चलेगा। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के लगभग 150 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों से लेखक भी इस कार्यक्रम में जुट रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सम्मेलन वर्ष 2019 के बाद अब हो रहा है। मालूम हो कि आज कार्यक्रम का खुला सत्र होगा तो वहीं कल यानी कि 14 मई को दोपहर से सांगठनिक सत्र होगा जिसके बाद अगले 3 सालों के लिए नई कमेटी का चुनाव होगा। मालूम हो कि 17वें राज्य सम्मेलन के लिए बनी स्वागत समिति के अध्यक्ष मशहूर इतिहासकार ओपी जायसवाल है जबकि सचिव अनिस अंकुर है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस बार के सम्मेलन का थीम लोकतंत्र पर बढ़ते हमले हिफाजत में उठते कदम रखा गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 76 पदाधिकारियों का वित्तीय उन्नयन रुका। राज्य सरकार के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 76 पदाधिकारियों के द्वारा अब तक के सेवा काल में कुछ वर्षों की चरित्री का जमा नहीं होने के कारण उनके सेवा काल के दौरान प्रत्येक 10 वर्ष पर मिलने वाले वित्तीय उन्नयन के लाभ को रोक दिया गया है। बता दें कि इन 76 पदाधिकारियों को पहली वित्तीय उन्नयन देने से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि इनकी चरित्री जमा नहीं की गई है जिस वजह से अनुशंसा कमेटी के द्वारा उन्हें यह लाभ देने से रोक दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। मालूम हो कि अधिसूचना में अधिकारी का नाम, उनके पद का नाम और उनके किस किस वर्ष की चरित्री बकाया है इससे जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है। पीके ने सीएम नीतीश को समझाया 2024 का चुनावी गणित। बीते दिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पद यात्रा के दौरान समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड में लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाई जा रही विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वो बिहार में सीटों का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी और उनके अन्य जो सहयोगी दल है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी 110 सीटों पर लड़कर 42 सीट पर जीती है। सीपीआई 17 सीटों से लड़कर 12 सीट जीती है। इस हिसाब से उनको ज्यादा सीट मिलनी चाहिए तो नीतीश कुमार अपनी सीट छोड़ देंगे जिससे अपने घर का ठिकाना नहीं है। वह आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो वो न घर का होगा न बाहर का बचेगा। सभी दलों के साथ बैठक को लेकर संजय झा का बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की मुहिम के तहत सभी विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर ली गई है और अब वह दलों के बैठक की तैयारी में लगे हैं। मालूम हो कि इस बैठक को लेकर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बैठक बिहार की राजधानी पटना में हो सकता है। वहीं अब इस बैठक को लेकर जदयू मंत्री संजय झा और विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम सफल रही है। अब उनका अगला कदम विपक्ष के सभी नेताओं के साथ बैठक करना है जो जल्द ही होने वाला है। मंत्री संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब तक जिन भी नेताओं से मुलाकात की है सभी ने विपक्षी एकजुटता का समर्थन किया है। डबल हेडर मुकाबला आज, लखनऊ ठोकेगी प्लेऑफ की दावेदारी। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में दो मुकाबला खेला जाना है। बता दें कि पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा तो वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि अगर हम बात करें हैदराबाद और लखनऊ के बीच होने वाले मैच की तो आईपीएल के 16वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने घर में सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त दी थी। वहीं हैदराबाद अपनी हार का बदला लेना चाहती है। हालांकि हैदराबाद अपने घर में काफी मजबूत दिखती है लेकिन टीम के खिलाड़ी अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं और दूसरी ओर लखनऊ के सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। इसी वजह से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें हम दिल्ली और पंजाब की तो इस सीजन में अब तक पंजाब किंग्स ने 11 मैचों में 5 में जीत हासिल करके कुल 10 अंक जोड़े हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक खेले 11 मैचों में सिर्फ 4 में जीत हासिल करके 8 अंक ही प्राप्त कर सकी है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों ही टीमें किसी भी हाल में जीतना चाहेगी।
भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। दिल्ली में लाल किले का निर्माण 1648 में पूरा हुआ। भारत ने 1918 में राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किए। स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र 1952 में शुरू हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज 1978 में INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। भारत ने पोखरण में दो परमाणु परीक्षण 1998 में किए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में परमाणु परीक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की। मिस इंडिया लारा दत्ता ने 2000 में साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर का जन्म 1956 में हुआ। भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का जन्म 1918 में हुआ। बालघर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गवर्नमेंट ज्ञान नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की सभी लड़कियों को सीधे खाते में 1,80,000 रुपए मिलेंगे। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास दास, शंकर मुखिया, नन्नू गोलू कुमार, मुटु रंगीला, योगेंद्र रजक, सुशील कश्यप, रवि कुमार राम, सुशील कुमार, मनोज रंजन प्रसाद, तबरेज आलम, पवन सिंह, नौशद अंसारी, अरीफ आलम, PK पासवान, जय नारायण। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।